दिल्ली, एक शहर जो कभी रुकता नहीं, जो मशहूर है अपने हिस्ट्री और हेरिटेज के लिए। एंड आज हम आपको ऐसी ही एक हिस्टोरिक येट ब्यूटीफुल जगह पर लेकर जाने वाले हैं। नमस्ते, टुडे वी आर हियर टू कैप्चर समथिंग वेरी ग्रैंड एंड अमेजिंग एंड दैट्स द राष्ट्रपति भवन इन द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली। वैसे हमारा राष्ट्रपति भवन बकिंघम पैलेस या व्हाइट हाउस से कुछ कम नहीं है। इट्स वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रेसिडेंट एस्टेट। और आज हम राष्ट्रपति भवन के बहुत ही स्पेशल पार्ट में जाने वाले हैं, दैट्स द अमृत उद्यान। लेट्स गो। अमृत उद्यान उफ मुगल गार्डन, जो हर साल फेब और मार्च में ओपन होता है, इस बार पहली बार अगस्त में ओपन हुआ है। एंट्री टिकट की बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइदर ऑनलाइन बुकिंग करके यहाँ पे आ सकते हो या वॉक इन भी कर सकते हो। ऑनलाइन टिकट वेबसाइट लिंक आई विल ड्रॉप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब जल्दी चलते हैं। अमृत उद्यान में एंट्री सिर्फ राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से ही होती है एंड नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज सेंट्रल सेक्रेटरी। After that, you can take an auto to gate number 35. तो जो पहला पार्ट है अमृत उद्यान का, इस दी हर्बल गार्डन, जहाँ पे आपको different टाइप्स के हर्ब्स दिखेगी, जैसे मिंट, डिमास्क, कैमोमाइल एंड कहीं और भी। After this, you'll see the bonsai garden and I was amazed to see variety of the bonsai plants वहाँ पे। Honestly, मुझे तो एकदम आइडिया नहीं था कि इतने टाइप के bonsai plants भी होते हैं। यहाँ पे एक म्यूजिकल फाउंटेन का सेक्शन भी है, विच लुक्स रियली प्रिटी अमिडस्ट द ब्यूटीफुल गार्डन। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ दिस फाउंटेन मेड द मूड रियली लाइट। अपार्ट फ्रॉम दिस म्यूजिकल फाउंटेन, अमृत उद्यान में कई सारे वाटर बॉडीज हैं। वैसे काफी लोगों को शायद नहीं पता अबाउट द फॉर्मल गार्डन, वे यू विल गेट टू सी दीज वाटर चैनल्स एंड फाउंटेन्स आर सिमेट्रिकल। मतलब राष्ट्रपति भवन के लेफ्ट एंड राइट साइड आर मिरर इमेजेस। जो भी स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में है, एग्जैक्ट सेम इज ऑन द राइट एज वेल। ऑल्सो दिस ईयर यू विल गेट टू सी द इंस्टॉल्ड QR कोड, जिनको स्कैन करके आप किसी भी प्लांट्स के बारे में सब कुछ जान सकते हो। इजंट दैट इंटरेस्टिंग? वी केम ऑन अ वीकडे थिंकिंग कि यहां भीड़ कम होगी, बट एज यू कैन सी बहुत सारे लोग हैं। And that's the long garden. क्योंकि इतना लंबा गार्डन है, इसलिए इसका नाम लॉन्ग गार्डन रखा गया है। यहाँ पे जैसे ही यू विल एंटर, आपको रोजेस की इतनी अच्छी खुशबू आएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स इन द लॉन्ग गार्डन आर रोजेस। एंड दीज आर नॉट ऑरेंजेस बट कुमकुत। कुमकुत की टी बहुत फेमस है साउथ ईस्ट एशिया में। दिस पार्ट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन ऑफ अमृत उद्यान, द सर्कुलर गार्डन। बीच में जो फाउंटेन है, इज लिटरली द मेन अट्रैक्शन। यहाँ पे हर कलर एंड हर टाइप के फ्लावर्स थे, विच मेड द गार्डन लुक सो प्रिटी। ये 17 सितंबर तक ही खुला है, तो जो भी दिल्ली में हो, जल्दी से घूम कर आओ। सो दैट वाज अमृत उद्यान फॉर यू ऑल। आज बहुत ज्यादा वॉक कर लिया है, तो अब हम जा रहे हैं कहीं कुछ बैठ के अच्छा सा खाने के लिए। मैं आई हूँ सेंट्रल दिल्ली के पंडारा मार्केट में, जिसमें गुलाटी रेस्टोरेंट बहुत फेमस है अपने बेस्ट बटर चिकन के लिए। दिस प्लेस इज हाईली रिकमेंडेड फॉर एवरीवन हु लव्स फूड। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।